ये है लोखंडी और आप पीछे देख रहे होंगे एंजॉय हो रहा है लोगों का। बहुत ही अल्टीमेट वाला व्यू है, ऐसा वेदर हो गया ना, बहुत मस्त। ये पूरा इस साइड स्नो है काफी सारा, लेकिन दिख नहीं रहा क्योंकि फॉग हो गया है। दूर का पास का दिख रहा है बस ये। फुल स्पीकर वाला व्यू आ रहा है यहाँ पर। तो ये हो रहा है एंजॉय यार। तो दिस इज लोखंडी फॉर यू। पूरा ब्लॉग देखिए लास्ट तक। अभी थोड़ा सा वेदर खुल जाए उसके बाद मैं और अपडेट करूंगा कहाँ कहाँ पर व्यू आ रहा है, क्या क्या जाना है। बट अभी का हम खुद एंजॉय करते हैं इस व्यू को, क्योंकि कैमरे में उतना क्लियर नहीं आ रहा होगा जितना कि यहाँ पर मुझे फील हो रहा है। ये भाई फुल मजे ले रहे हैं देखो। दोस्तों मेरा नाम है प्रमोद शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द ट्रैवल मशीन। दोस्तों जबरदस्त वाला व्यू है, एकदम मजा आने वाला है आज के ब्लॉग में, बहुत ही सुंदर। वैसे मुझे पता है आपने टाइटल तो पढ़ लिया होगा, गाड़ी प्रगति और नीरज वो उसमें अपने लिए चश्मे ढूंढ रहा है। तो अभी हम हैं चक्राता से करीब 16 किलोमीटर और है यहाँ से, चक्राता पहुँचने वाले हैं। पढ़ लिया होगा आपने कि हम चक्राता वाला ब्लॉग बना रहे हैं। बहुत ही अल्टीमेट वाला व्यू है। यहाँ से मैं क्यों शुरू कर रहा हूँ, घर से क्यों नहीं किया, क्योंकि घर से निकला था मैं हरिद्वार से 6:20 पर, तब अंधेरा हो रखा था और उसके बाद हमें विकास नगर तक जबरदस्त वाली बारिश मिली है। उम्मीद है ऊपर शायद बारिश हो और स्नोफॉल मिल जाए हमको। अगर नहीं मिलेगा तो रात को स्नोफॉल हुआ होगा। पूरा वीडियो देखना एकदम लास्ट तक, जबरदस्त वाला व्यू मिलने वाला है आपको। पूरा स्नो मिलेगा ऊपर चक्राता में। चक्राता से हम जाएंगे लोखंडी, हाँ लोखंडी जगह शायद नाम मैं बता दूंगा कौन सा है। तो वो जगह है जहाँ पर आपको ज़बरदस्त वाला स्नो मिलता है। और भी क्या क्या है चक्राता में, कैसे पहुँचना है, कितना दूर है, कितना टाइम लगेगा, सब कुछ इस ब्लॉग में बात करेंगे। तब तक पहले आप व्यू देखो ये वाला। अभी टाइम हो रहा है 9:28 और 16 किलोमीटर है, तो मान के चलिए कि हम हाफ एन आवर में पहुँच जाएंगे। यहाँ रुके हैं, देखो कितनी ज़बरदस्त वाली व्यू है, अल्टीमेट लोकेशन है एकदम। सुबह का टाइम है, सूरज आप देख रहे हैं ऊपर जस्ट, ये रहा और ये वाला व्यू देखिए सामने, बहुत ही औसम है, मज़ा आने वाला है इस वाले ब्लॉग में। हाँ सबसे पहले आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो नीचे लाल वाला बटन दिख रहा है आपको जहाँ पर सब्सक्राइब लिखा हुआ है वो प्रेस कीजिए और पूरा व्यू लास्ट वीडियो लास्ट तक देखिए। तो यार पहुंच गए हैं चक्राता और ये सामने जो चेक पोस्ट है यहाँ पर कटती है 100 रुपये की पर्ची जो नगर निगम होता है उसकी, और यहाँ से जो राइट को रास्ता जा रहा है ये है शहर का रास्ता। और इस साइड हम जा रहे हैं, ये आगे लोखंडी जाता है और यहीं सामने है कैंट, मतलब जो आर्मी वाला एरिया होता है वो सामने जो दिख रहा है आपको येलो कलर की बिल्डिंग, वो ड्रम भी लगे हुए हैं। तो हम आगे शूट नहीं कर रहे हैं, ये कैंट एरिया है तो यहाँ स्टॉप करते हैं। और ये जबरदस्त व्यू मिला हमको चक्राता जस्ट निकलते से ही, बहुत ही अल्टीमेट वाला व्यू है। तो यार निकल चुके हैं अभी चक्राता से, व्यू देखा आपने कितना जबरदस्त वाला था। अब हम जा रहे हैं लोखंडी, रास्ते में हम थोड़ा भी नहीं रुके क्योंकि ऊपर आके जाके स्नो मिलेगा और व्यू देखो आप कितना जबरदस्त आ रहा है ना भाई, मजा आ गया एकदम, फुल वाला मजा आ रहा है, बहुत ठंड है एकदम चिल वाली, थोड़ी भी देर में हाथ एकदम ऐसे हो गए, ग्लव्स पहनने पड़ेंगे, जब भी बाहर निकलेंगे ग्लव्स पहनेंगे। तो अभी हम पहुंचने वाले हैं लोखंडी, यहाँ से करीब 10 किलोमीटर और है। और यार मजा ही आ रहा है, बहुत जबरदस्त वाला मजा आ रहा है, सच बता रहा हूँ। तो यार अल्टीमेट वाला व्यू है, इधर पीछे देखो क्या मजा आ रहा है, पूरा स्नो, मुझे लग रहा है वहां पर स्नोफॉल हो सकता है, मैं उधर जाना है कहीं पीछे, वो जो ऊंचा पहाड़ दिख रहा है क्लियर नहीं हो रहा होगा, बट ये देखो क्या है, गजब ही सीन है एकदम, बारिश जैसा हो रहा है थोड़ा थोड़ा, हल्की हल्की बूंद बूंद गिर रही है, देखो क्या अल्टीमेट एकदम, बहुत ही जबरदस्त व्यू है बादलों का। और अब हम आ गए उन बादलों के अंदर,
भाई बस 5 फीट 10 फीट की विजिबिलिटी है, बाकी कुछ भी नहीं है, रोड भी नहीं दिख रहा है। स्लोली जा रहा हूँ, बाकी सब तो रुक गए हैं, बट मज़ा आ रहा है। कुछ नहीं है, पत्थर है। चला चला हाँ, बाहर चल रही है ना वहीं गाड़ी। तो ये है, तो यार ये स्नोफॉल तो नहीं हो रहा, ओले फॉल हो रहा है। आप यहाँ देख रहे होंगे कि मेरी गाड़ी के ऊपर, ये देखिए यहाँ पर भी, हालांकि पानी नहीं है साथ में, बट क्योंकि दिन का टाइम है, आप यहाँ देखिए गाड़ी पे बहुत ही बारीक बारीक से ओले टाइप के गिर रहे हैं। और वेदर देखो आप, हालांकि यहाँ स्नो पड़ी हुई है भरपूर मात्रा में, इसलिए यहाँ बारिश नहीं हो रही है। हाँ, प्रगति एंजॉय कर रही है। कुछ आया हाथ में? कुछ कट्टी कर ली है। हार्ड बना दिया, हार्ड बनिया, बर्फ के साथ मिक्स हो गया। ये देखो, ये साबूदाने की बारिश हो गई यहाँ पे। तो ये देखो यार, ये हो रहा है फुल एंजॉय। और ये नरोत्तम मिश्रा जी, साइड हटो साइड हटो। देखो ये कर रहे हैं मजे, अगर गिरे तो नीचे पहुंच जाएंगे। आचार की गाड़ी ऊपर रखा हुआ है जाम। तो यहाँ से हम काफी नीचे तक तो जाके देख के आए थे कि शायद स्नो थोड़ी और मिलेगी, क्योंकि एक्सपेक्टेड थी बहुत ज्यादा स्नो यहाँ पर गिरती है। बट पता चला नीचे जाके कि भाई बारिश कल से हो रही है, रात से तो सारी की सारी मेल्ट हो गई। इवन कल दिन में भी हुई थी तो सारी स्नो मेल्ट हो चुकी है, थोड़ी बहुत ही बची हुई है। बस इसी को देख के वापस जा रहे हैं। अभी थोड़ा सा व्यू ओपन हो गया है, सारा फॉग था वो हट गया है, इसलिए एक बार व्यू दिखा दूँ। अभी हम लोखंडी में ही हैं और पीछे वैसा ही व्यू है। अभी भी नीचे से आए हम तो वहाँ पर वैसे सेम हो रखा है जैसा पहले दिखाया था मैंने, बट यहाँ का व्यू खुल गया और अल्टीमेट वाला व्यू है, एकदम बहुत ही जबरदस्त वाला। वर्थ है यहाँ पर आना, मैं 100% रिकमेंड करूँगा कि आप एक बार ज़रूर आएँ। और उत्तराखंड के पहाड़ देख देख के थक गए हैं तो इधर आएँ, ये आपको हिमाचल वाली फील देते हैं। थोड़े से जो पत्थर वाले पहाड़ हैं वो हैं यहाँ पर। यहाँ कुछ खाने पीने का तो हम थोड़ा सा खा लेते हैं, उसके बाद फिर आगे जाएंगे। टाइगर फॉल वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, पहले टाइगर फॉल ट्राई करते हैं वहाँ जाने का, और उसके बाद फिर देखते हैं चक्राता में और क्या है, फिर आगे घर जाएंगे, वहाँ एंड करेंगे। तो यार लोखंडी से अभी हम आ गए हैं और थोड़ा सा ही आए, बस यही पीछे था पहाड़ के, और यहाँ थोड़ा सा वॉशरूम जाना था इसलिए रुके। पीछे तो बताया है नहीं वॉशरूम, जहाँ भी जो भी है जैसा भी रहा ट्रिप, लेकिन अल्टीमेट वाला व्यू मिला है बहुत ही ज़बरदस्त वाला। उधर है स्नो, जो पहाड़ दिख रहा है दिखा दूँगा वीडियो से। यहाँ पर है काफ़ी सारी स्नो, बट वो ऊपर है, जाने का रास्ता नहीं है, रास्ता नीचे से ही है, तो वो हम नहीं जा पाएंगे, वो मेल्ट भी नहीं हुई है। बट बाकी आप व्यू देखो अल्टीमेट। तो यार अभी हैं हम रास्ते में टाइगर फॉल के, मैं यहाँ से है करीब 9 किलोमीटर। मैं नीचे सो रखा है, उसकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई, पेट अजीब सा हो रहा है, वॉमिटिंग जैसा, बट वॉमिट नहीं किया उसने। अब मैं यहाँ क्यों रुका हूँ, कुछ नेचर का स्पेशल दिखाने के लिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। ये दिखाना था मुझे, सबसे पहले तो ये वाला पहाड़ देखो आप, तो भी हटा जरा, ये देखो क्या अल्टीमेट वाला पहाड़ है, येलो कलर का। फिर यहाँ देखो आप, ये है ब्लैक कलर का। फिर यहाँ देखो आप, येलो कलर का, और इनका पेड़। फिर पीछे येलो ब्लैक मिक्सर है, फिर वहाँ पर ग्रीन और येलो का मिक्सचर है, फिर यहाँ देखो आप ये ग्रीन है। यार समझ नहीं आ रहा ये बनाया कैसे होगा पेंटिंग। इधर सामने देखो बादल वहाँ पर,
वहाँ देखो बादल, इधर पेड़ है इधर पेड़ नहीं है। वही तो, इस बीच में से आप देखेंगे उस साइड पेड़ है इस साइड पेड़ नहीं है। गजब ही पेंटिंग है यार नेचर की भी। ये देखो क्या मस्त है यार, बहुत ही एक ही एटमॉस्फेयर है। मुझे पता है कि ये वीडियो में इतना क्लियर नहीं आ रहा होगा जितना कि मैं देख पा रहा हूँ, बट आप इतना समझ पा रहे होंगे कि हाँ कुछ तो है यार स्पेशल। और आना बनता है इसके लिए, इसको देखना जरूर बनता है। ये देखिए क्या मस्त वाला व्यू है। ये ऐसा लग रहा है देखने में, शायद वीडियो में क्लियर नहीं होगा, जैसे स्नेक का जो ऊपर की परत होती है चमड़ी ना, रेत का जो होता है ना, वैसा कुछ हो रहा है। ये देखिए क्या जबरदस्त सा लग रहा है, कुछ अल्टीमेट सा ही लग रहा है, बहुत अल्टीमेट लग रहा है। ये देखिए दोनों के दोनों आप मैच करेंगे, एक ही पहाड़ है कुछ अलग नहीं है, बट दोनों डिफरेंट लग रहे हैं, और उसके पार वो कुछ और। ये देखो क्या अल्टीमेट व्यू है। चलिए तो आगे जा रहे हैं टाइगर फॉल, वहां देखते हैं। अभी हम जा रहे हैं रास्ते से अभी, और ये देखो जस्ट थोड़ा सा आगे बढ़े हैं, सामने देखो स्नो कितना जबरदस्त है, ये पूरे पहाड़ पर स्नो। ये भाई साहब किस्मत खराब है हमारी, हमें क्योंकि इधर स्नो पानी बरस गया, रेनफॉल हुआ, जिस वजह से स्नो मेल्ट हो गया, और यहाँ देखो कितना स्नो है भर भर के। ओ माई गॉड, मस्त भी हो, मस्त, बहुत ही मस्त। बस पहुंचने वाले हैं टाइगर फॉल, ये एंट्रेंस है, यहाँ से 5 किलोमीटर है, और ये व्यू देखो यहाँ का भी अल्टीमेट। पूरा व्यू जो मैं आपको दिखाया था वो कंटिन्यू है आगे तक, जहाँ भी आप जाएंगे। हम इस साइड से आए हैं और इधर जाते हैं लाखा मंडल के लिए, लिखा हुआ है चक्राता। हम 17 किलोमीटर आ चुके हैं और 5 किलोमीटर इधर टाइगर फॉल है। तो कुछ ऐसा रोड है टाइगर फॉल का अगले 5 किलोमीटर, और व्यू देखिए अल्टीमेट। तो हमने आधा सिंगल रोड क्रॉस कर लिया है, और यहाँ पर है पर्ची कटती है नीचे जाने के लिए, 30 रुपये पर पर्सन, और पार्किंग के 50 रुपये। आप चाहें तो यहाँ से 1 किलोमीटर पैदल भी जा सकते हैं, या अगले 2.5 किलोमीटर और आप कार से भी जा सकते हैं नीचे तक। तो यार उधर पीछे हमने लगा दी अपनी गाड़ियाँ, पार्किंग यहाँ तक है, और यहाँ से कुछ 100 मीटर बता रहे हैं, 100-200 मीटर बोले आगे है। एकदम पतला सा रास्ता है, ये देखिए आप, मैं दिखा नहीं पाऊँगा, पगडंडी है लिटरली, और फिसलन भी है यहाँ पर, बारिश हुई है क्योंकि। बहुत ही ऊंचा यार, वही तो फ्रेम में आने से रहा मेरी में। ओ देखो, ओ देखो, ओ देखो, ओ भाई बहुत सुंदर, बहुत ही ऊंचा है यार, बहुत ऊंचा है वो, देखो क्या मस्त लग रहा है, अल्टीमेट अल्टीमेट वो देखो। फ्रेम में ही नहीं ले सकता यार, बहुत अल्टीमेट लग रहा है। अरे देखो ये भी झरना है, टाइगर फॉल छोटा, टाइगर फॉल मीडियम, और टाइगर फॉल द बिग वन। इस वीडियो में ऐसे पोर्ट्रेट में बना दे रहा हूँ, ये थोड़ा छोटा व्यू आएगा इसका, बट इसलिए कि आप मैं पूरा दिखा पाऊँ आपको, इसलिए मैंने बनाया है। ये है 50 मीटर, यानी कि करीब 125 फीट, आप समझ रहे हैं, 125 फीट, बहुत ऊंचा है और बहुत ही मज़ेदार है। तो यार निकल लिए यहाँ से वापस, और फिर से देखो यार पीछे, ये रहा, बहुत ही गजब है। वहाँ शायद आवाज़ नहीं आ रही होगी उतनी क्लियर, इसलिए सोचा कि थोड़ा इधर बताएं, बट बहुत ही अल्टीमेट फॉल था यार, बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया देख के। बहुत ही हाइट पर था, बहुत तेज़ था, पानी भी इतना स्पीड में गिर रहा था ना कि देख के बहुत मज़ा आ रहा था, और नीचे जो उसका फुब्बारा सा बन रहा था पानी गिरने के बाद, जो झाग आ रहा था, बहुत अल्टीमेट एकदम। पास में ये है मैगी की शॉप, एक बढ़िया बहुत टेस्टी मैगी बनाई भैया ने, मात्र 40 रुपये की मैगी है। तो ये रास्ता है हमारा गाड़ी, और यहीं पर मस्त मैगी खा रहे हैं, इसके बाद अब निकलते हैं। तो यार समअप करते हैं, अभी निकल रहे हैं यहाँ से, टाइम हो रहा है 3:40, तो हम निकले थे 6:20 पे, और 3:40 पे हम फ्री हो गए, करीब 9 घंटे लगे हमको, 9-9.25 घंटे, इतने में हमने आना और यहाँ घूमना कंप्लीट है, वापस जा रहे हैं, करीब 3-4 घंटे लगेंगे शायद, थोड़ा सा जाम मिलेगा हमको देहरादून में। तो हम पहुँच जाएंगे 4-10 बजे तक मैक्सिमम। तो एक दिन में हम पूरा चक्राता घूम लिए, क्या क्या घूमे,
लोखंडी गए थे और टाइगर फॉल देववन रास्ते में था, तो हम पूरा ऊपर तक नहीं गए क्योंकि सेम ही है और दिखाया था, थोड़ा सा वो फॉग हो रहा था इसलिए ऊपर नहीं गए। बैड लक था हमारा कि आज स्नोफॉल होना था, फोरकास्टिंग थी, रेनफॉल हुआ भी लेकिन वो स्नो में कन्वर्ट नहीं हुआ, जिस वजह से पानी बरसा और जो स्नो था वो भी मेल्ट हो गया, तो हमें थोड़ा कम स्नो मिला। बट हाँ, आप आएंगे, मैंने लोकल्स से बात की थी, तो हम जहाँ पर हैं यहाँ भी स्नोफॉल होता है कई बार, नहीं बन मतलब जब भी होता है तो थोड़ा थोड़ा यहाँ भी होता है, मतलब आपको जनवरी में अच्छा खासा स्नो मिल जाएगा चक्राता में। चक्राता शहर में भी होता है, आगे लोखंडी में तो बहुत होता है, इवन बता रहे थे कि अगर स्नोफॉल हुआ हो तो आप चक्राता भी नहीं पहुँच पाते गाड़ियों से, वो भी मुश्किल हो जाता है, बर्फ हटानी पड़ती है, तो इतना स्नोफॉल होता है, मतलब अच्छा खासा स्नो आपको मिल जाएगा यहाँ पर। और बैड लक कि हम आए और रेनफॉल हुआ जिस वजह से वो मेल्ट हो गई और स्नोफॉल भी नहीं हुआ, वो गिरे साबुदाने थे। लेकिन चलिए, तो ये था आने का। होटल्स का मैंने पता किया, थोड़ा सा कॉस्टली है बाकी मार्केट के मुकाबले, यहाँ पर 1500 रुपये स्टार्टिंग प्राइस है होटल्स की, इससे चीप शायद ही कहीं मिले, मतलब मिल भी सकता है ऑफ सीजन में, बट हाँ नॉर्मली आप मान के चलिए 1500 आपको 2 persons के लिए मिलेगा। बस 3 चलती हैं, 3 आती हैं और 3 जाती हैं देहरादून से, तो ईजी है, 150 रुपये का अप्रॉक्स उसका किराया है। आप पर्सनल व्हीकल से आइए, अच्छे से घूम पाते हैं वो, मैं हर जगह पहाड़ों में आपको बोलता ही हूँ, प्रेफर यही रहता है कि आप पर्सनल व्हीकल से आए, बट अगर आप बस से आना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं इजीली, टैक्सी भी मिल जाती है आपको। इसके बाद एक दिन का टाइम हो गया बस, खाना नॉर्मल मार्केट में, थोड़ा सा हायर साइड है, रेस्टोरेंट्स हैं, बाकी अगर आप अच्छे से इंजॉय करना चाहते हैं, थोड़ा पैसा मोटा खर्च करना चाहते हैं, तो रिजॉर्ट्स भी हैं, आप 8-8.5 हज़ार तक भी जा सकते हैं वहाँ पर, और भी शायद महंगे होंगे, कम से कम मैंने बताया, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी श्रद्धा भक्ति है कितना खर्च करना है, आप 1,00,000 रुपये दे दो उनको टिप के रूप में तो। चलिए, तो ये था मेरा चक्राता का ब्लॉग, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, जो नीचे वाला लाल बटन दिख रहा है सब्सक्राइब जो लिखा हुआ उस पर क्लिक कीजिए, वो ग्रे हो जाएगा। इसके बाद वीडियो को लाइक भी करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, अगर आपको पसंद नहीं आया तो आप डिसलाइक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट कीजिए कुछ, तो मुझे पता तो चलेगा, आप कमेंट में बता सकते हैं कि क्या कमियां थी, क्या आपको अच्छा नहीं लगा, मैं ट्राई करूंगा कि नेक्स्ट टाइम से उसे सुधार सकूं। तो थैंक यू, इसी के साथ स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।